दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू काम का गुस्सा अपने बच्चों पर क्यों निकालती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अंकिता ने सताया, इतने माँ को रोता देख नन्ना नक्स अपनी मार भूल माँ के पास आया। मम्मा मत रो, मैं अब सताने नहीं करूँगा, फिर दादी आपको नहीं डांटेगी, माँ के आंसू पोंछता हुआ वह बोला। तो नीमा ने उसे गोद में उठा, सीने से लगा लिया और उसे सूंघने लगी। माँ बेटे के इस प्यार को देख अंकिता मुस्कुरा दी और वहाँ से चली गई। बहू, आज इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हो? अगले दिन नीमा को जल्दी खाना बनाते देख उसकी सास बोली, मम्मी जी नक्स स्कूल से आता होगा, उसे भी समय देना है मुझे अब से, इसलिए अब खाना जल्दी बना दिया करूँगी, जिससे उसके आने तक फ्री हो जाऊँ। नीमा बोली। शाम को नीमा बेटे को ले तैयार हो बाहर आई। कहाँ जा रही हो इस वक्त? साई का समय हो रहा है, सास बोली। मम्मी जी साई दीप्ति बना देगी, मैं नक्स को ले पार्क जा रही हूँ। नीमा शालीनता से बोली, ये क्या नया शौक सरराया? अब सास हाथ नसा कर बोली, मम्मी जी शौक नहीं, जरूरत है ये मेरे बच्चे की, जिससे उसके साथ ज़्यादा वक्त बिता सकूं और उसके ऊपर लगे शैतान बच्चे का टाइटल हटा सकूं, क्योंकि मेरा उसके प्रति लापरवाह होना उसे शैतान बना रहा है। उम्मीद है उसे सुधारने में आप लोग मेरी मदद करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं साथी, बस थोड़ा सहयोग चाहती हूँ, जिससे आप लोगों को भी इसके कारण सुनना ना पड़े, नीमा ने हाथ जोड़कर कहा। तो सास सूप हो गई। पार्क से वापिस आते में नीमा नक्स के लिए कार्डबोर्ड और पंजल खरीदती लाई, जिससे कार्डबोर्ड पर वह तस्वीरें शिव का कोलाज बना सके, माँ का साथ पाने और व्यस्त रहने से नक्श की शरारतें कम हो गई। अब ना वो ज़्यादा गुस्सा दिखाता, ना चीजें फेंकता था, हाँ मस्ती जरूर करता था और उसकी मस्ती में नीमा भी शामिल हो जाती थी। अपने बच्चे के साथ खूबसूरत यादें जो सजोनी थी उसे, हालांकि उसके घर वाले उससे कुछ दिन नाराज भी रहे, सास का बड़बड़ाना भी चलता रहा, पर जैसे तैसे नक्स की बेवजह की शैतानियाँ कम हुई, उन्हें नीमा सही लगी। नीमा ने अंकिता के पास जा उसका धन्यवाद किया, क्योंकि उसकी सीख थी कि आपका बच्चा भी थोड़ी शैतानी करता है तो करने दीजिए, यही तो उम्र है इसकी, और अगर नक्स की तरह ज़्यादा शैताने तो आप भी सोचिए कि आपकी अत्यधिक व्यस्तता आपके बच्चे को जानबूझकर शैतानी करने पर मजबूर तो नहीं कर रही, क्योंकि हर बच्चा माँ का ध्यान पाना चाहता है, भले शैतानी करके, और ऐसे में आपका उसे डांटना या मारना उसे जिद्दी बना देगा और समय का शकर जब घूमेगा और वह जब तक बड़ा होगा आपसे दूर हो चुका होगा, क्योंकि कुछ कड़वी बातें उसके जहन में भी रहेगी।